हसल 3.0 को लेके बहुत सारे अपडेट्स आए, जैसे बादशाह के साथ इस बार रफ्तार भी जज रहेंगे और डीएमसी को हटा के उनके जगह एमसी स्क्वायर को स्क्वाड बॉस बनाया जाएगा। और क्या क्या नया अपडेट्स और ये कहां तक सही है, मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। हाल ही में बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं हसल 3.0 को लेके, जो कि हसल 2.0 और हसल 1 बहुत ही ज्यादा हिट रहा है, यहाँ पर हम सभी जानते हैं। पहला तो बड़ा अपडेट ये है कि रफ्तार और बादशाह के बीच जब शो शुरू हुआ था, बहुत सारे कंट्रोवर्सी हो रहे थे कि हसल 1 में रफ्तार को लिया गया और बादशाह को हसल 2 में लिया गया, रफ्तार को हटा दिया गया। अब ये कंट्रोवर्सी खत्म करके एमटीवी ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया, अब हसल 3.0 में रफ्तार और बादशाह दोनों मेन जज रहेंगे। अब दोस्तों और एक नया अपडेट ये आ रहा है कि डीएमसी को हटा के उनके जगह एमसी स्क्वायर को स्क्वाड बॉस बनाया जाएगा। हालांकि दोस्तों मेरा मानना ये बात सही नहीं है, क्योंकि ये जो रैप का कल्चर है यहाँ पे हमेशा से वीमेन को प्रमोट किया जाता है और इस शो में एक वीमेन जज जो थी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी। भले इन्होंने इंटरटेन हमें कम किया, इनका जो जजिंग था वो उस लेवल का नहीं था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इनके जगह एमसी स्क्वायर को लाया जाएगा। हो सकता है इन्हें हटा के दूसरे कोई वीमेन स्क्वाड बॉस ही बनाया जाए। और एक दोस्तों र्यूमर ये भी फैल रहा था कि जो इक्का है उसे भी स्क्वाड बॉस बनाया जाएगा, मतलब किंग, डीनो जेम्स, ईपीआर इन लोग के साथ अब इक्का भी रहेंगे। तो मुझे ये भी बात र्यूमर ही लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सीजन 2.0 में उन्हें बादशाह के साथ बैठाया जाता था, कुछ कुछ स्पेशल ओकेशन में उन्हें बुलाया जाता था और उन्हें जज बनाया जाता था, और यहाँ पे उन्हें स्क्वाड बॉस बनाया जाएगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इस सब को लेके मुझे बस यही सच्चाई लगता है कि रफ्तार और बादशाह साथ में रहेंगे, ये चीज हो सकता है, बाकी सारा तो र्यूमर ही है। इसको लेकर आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।